हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ वो मेरे चैनल से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, लेकिन आज जो हमारे कंट्री में चल रहा है मी टू मूवमेंट, ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। जो भी तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर के बीच क्या हुआ क्या नहीं, ये हमें किसी को नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट हमें उसे सुनना चाहिए। मैं मिडिल क्लास फैमिली, नॉर्मल फैमिलीज, जो भी मिडिल क्लास से नीचे की फैमिली है, मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि बात चाहे आपकी बेटी की हो या पड़ोसी की बेटी की हो, प्लीज़ उसे सुने, उसे मौका दें अपने बात कहने की। चाहे वो गलत हो या ना गलत हो, ये डिसाइड करने वाले हम नहीं होते हैं। उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तब डिसीजन होगी कि गलत कौन है, चाहे गलत करने वाला आपका बेटा हो या पड़ोसी का बेटा हो, लेकिन सुननी सबकी चाहिए। आप सामने वाले को सुनो, उसे मौका दो। 10 साल पहले तनुश्री दत्ता को किसी ने मौका नहीं दिया बोलने का, उसने इंडस्ट्री छोड़ के वो चली गई। आज उसे हिम्मत हुई है, वो फिर वापस आई है। मी टू मूवमेंट उसने शुरू की और उसके हिम्मत की वजह से कितने लोग सामने आए हैं, कितनी सारी लड़कियां सामने आई है, कितनी सारी चीजें खुली है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, वैसे वैसे लोगों की बातें सामने आई है। साजिद खान जिनके ऊपर कितने सारे इल्जाम लगाए गए हैं, वो कंटिन्यूअसली लोगों के साथ गलत बिहेवियर करता जा रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट स्टेप लेने की हिम्मत किसी लड़की में भी नहीं हुई। आज भी उन लोगों ने बहुत ही हिम्मत करके स्टेप्स लिया है, लेकिन आज भी उन्हें डर है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने हिम्मत किया। क्यों हमारे देश के कानून में इतनी हिम्मत नहीं है कि लोग इस तरह के काम करने से डरे? हर लड़की के साथ, हर इंसान के साथ ऐसा क्यों हुआ होता है? क्यों किसी ना किसी तरह के हरासमेंट से गुजरे होते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे वो घर की मेड हो, चाहे वो नॉर्मल लड़की हो रोड पे चलते हुए, हर एक के साथ ऐसा क्यों है कि ऐसा होता है? तनुश्री दत्ता ने अपने इंटरव्यू में बहुत ही अच्छे लफ्जों में कहा कि हर लड़की के साथ ये कभी ना कभी हुआ है। बहुत सही कहा है। जरूरी नहीं है कि वो ऑफिस में ही हो, घर पर ही हो, या आप किसी मॉडलिंग कंपनी में हो तभी हो। रोड पे चलते हुए भी हमारे साथ अक्सर ऐसा हो जाता है कि लोग आते हैं, टकरा के चले जाते हैं, हो सकता है वो गलती से हो, लेकिन हमें गलत और सही में पहचान करना बहुत ही अच्छे से आता है कि किसने गलती से करा है और किसने जानबूझ के किया है। और ये पहली गलती हमारी है कि हम उसे जाने देते हैं। हमें उसी वक्त स्टेप लेना चाहिए, उसी वक्त से रोक के उसे सवाल करनी चाहिए, जिस भी तरह का ट्रीटमेंट हो उसे करना चाहिए अगर हमें ऐसा लगता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो बंदा मुंह खोल के सॉरी बोले। एक बॉडी लैंग्वेज होती है जिससे कि हमें समझ में आता है कि उसने जानबूझ के किया या गलती से हुआ। कभी तो लड़के जानबूझ के करके और साइड में खड़े होकर मुस्कुराते हैं, वो एक अचीवमेंट होती है उनके लिए कि वी डिड इट। क्यों हम उन्हें करने देते हैं? पहली गलती तो हमारी है कि हम उसे करने देते हैं। दूसरी गलती ये है कि हम चुप रह जाते हैं, तो उन्हें फिर से हिम्मत मिलती है दूसरी लड़कियों के साथ करने की। तो अब हमें मौका मिला है बोलने के लिए। प्लीज उन लड़कियों से, उन लड़कों से रिक्वेस्ट है, आज हमारे पास मी टू मूवमेंट के द्वारा बोलने का एक मौका है। सामने आए, बोले, जिस भी इंडस्ट्री से आप हैं, जिस भी जगह से आप हैं, अगर आपके पास कोई स्टोरी है प्लीज शेयर करें, प्लीज एक्शन लें। और हर एक इंसान से एक रिक्वेस्ट है कि सामने वाले को बोलने का मौका दें, उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें, तब जज करें कि कल्प्रिट सही में कल्प्रिट है या नहीं। सिर्फ उसके फेस, उसके इमेज नहीं, नाना पाटेकर ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? आशाराम कर सकता है, तो नाना पाटेकर क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो कर कोई भी सकता है, कुछ भी सकता है, ये जज करने वाले हम लोग नहीं हैं। हमें सिर्फ एक्शन लेना है जो कि है कंप्लेन। हम कंप्लेन करेंगे, और सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे देश का लॉ। जब तक लॉ स्ट्रांग नहीं होगा हमारे देश में ये सब चलता रहेगा।
लॉ को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, हमारे देश को लॉ को इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा कि लोग ऐसी हरकतें करने से पहले 1000 बार सोचे और तब भी करने की हिम्मत ना हो। मैं सभी यूट्यूबर से रिक्वेस्ट करूंगी, चाहे आपका चैनल किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, प्लीज़ आप भी खड़े हो, आप भी इस बारे में वीडियो बनाएं और लोगों को मोटिवेट करें। शायद आपके एक मोटिवेशन से और भी स्टोरी सामने आए, और भी कंप्लेंट सामने आए, कोई और कल्प्रिट सामने आए जो कि और किसी के साथ इस तरह की चीज़ें करने की हिम्मत ना करें, जो कि तनुश्री दत्ता के साथ हुआ, जो और भी लड़कियों ने कंप्लेन की है शाजिद खान के अगेंस्ट, और भी लोगों के अगेंस्ट। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रही, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ अभी नहीं तो कभी नहीं, अब खड़ा होना होगा सबको, अब सभी को एक होकर इसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी होगी, हमें एक्शन लेना होगा और इन सब चीज़ों को अब बंद कर। छोटे कपड़े पहन लिया इस वजह से रेप हो गई, इस तरह के कपड़े पहन लिए तब हो गया, ये सब चीज़ें सब बकवास है। अब तो छोटी छोटी बच्चियाँ 5 महीने की 10 महीने की, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस रेप करने वाले की इंटेंशन है कि करना है, क्योंकि उसे किसी चीज़ की डर नहीं, किसी भी चीज़ की डर नहीं है, ना तो लॉ का ना ही अपने परिवार का, क्योंकि लोग सबसे पहले अपने बच्चे के फेवर में खड़े होते हैं, नहीं नहीं इसने तो किया ही, क्यों नहीं किया भाई, जो करते हैं वो भी तो किसी के बच्चे होते हैं। तो इसीलिए अपने बच्चों की सुने, अपनी बेटी को बोलने दें, बोलने का मौका दें, ताकि वो अपने परिवार के सपोर्ट का सपोर्ट लेके अपने लिए लड़ सके। अगर आप नहीं उसकी सपोर्ट करेंगे तो कोई और सपोर्ट नहीं करेगा, और फिर वो चीज़ उसके साथ बार बार होती रहेगी, बार बार होती रहेगी। प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप बना सकते हैं आप बनाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने चैनल पे शेयर करें, लोगों को मोटिवेट करें बोलने के लिए, मी टू मूवमेंट पे खड़े हों, मी टू मूवमेंट के साथ आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको मोटिवेशन मिला, आप इस स्टोरी के पार्ट हैं, अपनी स्टोरी शेयर करें मी टू मूवमेंट पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, सभी जगह पे शेयर करें और अपनी कंप्लेंट को सामने लाएं। थैंक यू सो मच। और मेरा भी चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल से रिलेटेड है, अगर उससे रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। लेकिन अगर सोसाइटी में इस तरह की किसी भी टॉपिक पे चीज़ें आएंगी, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। हाउएवर मेरा वीडियो, मेरा चैनल उन सब से रिलेटेड नहीं है, फिर भी अगर सोसाइटी में यूनिटी की बात आती है, एक साथ खड़े होने की बात आती है, तो हम सबको खड़ा होना चाहिए। किसी एक के खड़े होने से, किसी एक के आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा, हम सभी को एकजुट होकर इस चीज़ों को अब बदलना होगा। बस अब बहुत हो गया बोलकर इसे खत्म करो। धन्यवाद।